नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड और स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म दुश्मन से ये गीत है चिट्ठी ना कोई संदेश। इसे ओरिजिनली गाया था जगजीत साहब ने, म्यूजिक उत्तम सिंह जी का था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब का था। गाना आपका ई माइनर में है और मैं बीट्स के साथ मैच करने के लिए बार कॉर्ड यूज़ करूँगा। आप चाहें तो ओपन कॉर्ड भी जा सकते हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है और लेसन के अंदर में हमेशा की तरह सारे कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न डिटेल में जरूर देखेंगे। गाने में जो स्केल यूज़ किया गया और जो कॉर्ड यूज़ किए गए हैं उसमें भी कुछ एक खास बातें हैं और उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं और आज का लेसन मेरा साथ देंगे धीरज बरला। तो आइए देखें चिट्ठी ना कोई संदेश। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए। तो आइए देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना ई माइनर में है, अगर आप बार कॉर्ड जा सकें तो ई माइनर, ए माइनर, जी मेजर और बी सेवन। अब चाहे तो बी पर जा सकते हैं, ये आपके मेन कॉर्ड्स हैं। अगर आप ओपन कॉर्ड में जाना चाहें तो ई माइनर, ए माइनर, जी मेजर
और इसके अलावा बी सेवन आपको यहाँ बजाना पड़ेगा। और अगर आप सारे ही ओपन कॉर्ड में जाना चाहें तो केपो को सेवन थ्रेट पे लगाएं और ई माइनर की जगह ए माइनर में बजाएं, ई माइनर की जगह ए माइनर की जगह डी माइनर, जी मेजर की जगह सी मेजर और बी सेवन की जगह ई सेवन, आप चाहें तो वहां पर ई भी बजा सकते हैं। भाई स्ट्रमिंग पैटर्न देख लें, मैंने इस तरह से बजाया ट्रैक के साथ, म्यूटिंग इफेक्ट्स ना लगा पाए तो यूं ही जा सकते हैं। ये जो पहले दो स्ट्रोक्स हैं ये आपके बेस नोट्स पे यानी कि सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग पे पढ़ने चाहिए, तब आपका ये पैटर्न जो है बीट्स के साथ सही मैच कर जाएगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तब यूं भी जा सकते हैं। तो आइए देखें आज के लेसन में जो हमने स्केल यूज़ किया, जो कॉर्ड यूज़ किए उनमें क्या खास बातें हैं। गाने में माइनर स्केल यूज़ किया गया, लेकिन माइनर स्केल में भी तरह के स्केल्स होते हैं, तो आइए गाने के स्केल को देखें और देखें कि जो कुछ एक कॉर्ड यूज़ किए गए वो वहाँ पर कैसे फिट किए गए। तो आइए गाने के स्केल को देखें। गाना आपका ई माइनर में है, अगर आप स्टैंडर्ड ई माइनर स्केल लेके चलें तो उसमें आपके नोट्स होते हैं यानी कि ई एफ शार्प जी ए बी सी डी और फिर वापस ई, यानी कि सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा। इस गाने में लेकिन आपका जो है कोमल नी की जगह शुद्ध नी ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसे आप हार्मोनिक माइनर स्केल कह सकते हैं। हार्मोनिक माइनर स्केल में वही नोट्स होते हैं जो आपको राग खिलवाने में मिल जाएंगे और उसमें जो नोट्स होते हैं वो है आपके यानी कि सारे स्वर शुद्ध, सिर्फ ग और ध कोमल। इस नोट पे पढ़ते जो है अगर आप बी सेवंथ बजाएं या बी मेजर बजाएं तो वो आपका ट्रैक के साथ सही मैच कर जाएगा। जैसा भी आपने देखा गाने में हार्मोनिक माइनर स्केल बहुत प्रोमिनेंट था। हार्मोनिक माइनर स्केल में जो नोट्स होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड माइनर स्केल के जैसे ही होते हैं, सिर्फ आपका नी कोमल की जगह शुद्ध होता है। बॉलीवुड में जितने भी माइनर स्केल के गाने बनाए जाते हैं उनमें ये दोनों स्केल्स यूज किए जाते हैं और गाने के म्यूजिक को सजाते वक्त म्यूजिशियंस जो है शुद्ध नी और कोमल नी दोनों का प्रयोग करते हैं। और इसलिए आपने देखा इस गाने में जी मेजर कॉर्ड भी था और बी सेवंथ कॉर्ड भी था। वैसे मैंने बी सेवंथ यूज किया, चाहे तो बी मेजर यूज करें। जी मेजर कॉर्ड में आपके नोट्स होते हैं जी बी और डी, और बी मेजर में आपके कॉर्ड्स होते हैं बी डी शार्प और एफ शार्प। यानी जी मेजर कॉर्ड में डी यानी कि कोमल नी है और बी मेजर कॉर्ड में आपका डी शार्प यानी कि शुद्ध नी है। गाने के मल्टी लाइन में जहाँ जहाँ शुद्ध नी है वहाँ पर तो आपको
बी मेजर यूज़ करना ही पड़ेगा या बी सेवन यूज़ करें जैसे कि मैंने किया है, लेकिन गाने में कई जगह जो है जी मेजर कॉर्ड भी है और वहाँ मेलोडी लाइन में आपका शुद्ध नी की जगह कोमल नी प्रोमिनेंट है। इसी तरह से बॉलीवुड में बहुत से गाने हैं जहाँ पर आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आपको इनके बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो आप मेरे वेबसाइट पर जाएँ khaspath.in, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेसन्स सजाए भी मिल जाएंगे। बॉलीवुड के गानों में जो स्केल्स जो कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी और मेरे आने वाले लेसन्स के आपको अनाउंसमेंट से मिलेंगे। इसके अलावा आप अमेजोन पर जाएं, मेरे इस किताब को जरूर खरीदें खास बात। ये एक हैंडबुक की तरह है, आपको बहुत से म्यूजिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने लेसन्स में समझाए हैं वो आपको सजाए भी मिल जाएंगे, बहुत से गानों के कॉर्ड्स भी मिलेंगे और ये किताब आपको एक हैंडबुक के जैसे काम आएगा। आप इस किताब को इलेक्ट्रॉनिकली भी डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन के किंडल रीडर पर यूज़ करें और अपने फ़ोन पर भी आप इस किंडल रीडर ऐप के द्वारा इसे पढ़ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया, अपने कॉमेंट्स और फीडबैक भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए।